अस्सलाम वालेकुम। तमाम ही वालिदैन सरपरस्त हजरात से गुजारिश है कि बराए करम वो अपने बच्चों की मुनासिब जगहों पर रहनुमाई करें। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं तवातुर किसे कहते हैं। तवातुर एक मखसूस तरतीब को कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक मेज़ है जिस पर पहले आम रखा हुआ है, उसके बाद अनार रखा हुआ है, उसके बाद अंगूर रखा हुआ है। ठीक थोड़े फासले के बाद इसी तरतीब से पहले आम रखा हुआ है, उसके बाद अनार रखा हुआ है, उसके बाद अंगूर रखा हुआ है। फिर एक मुनासिब फासला है, फिर इसी तरतीब से पहले आम रखा हुआ है, उसके बाद अनार रखा हुआ है और उसके बाद अंगूर रखा हुआ है। अब अगर हमको इसके बाद सिर्फ दो चीजें दी जाए, सिर्फ आम रखा जाए और उसके बाद अनार रखा जाए और पूछा जाए कि इसके बाद क्या रखा जाएगा, तो हम गुज़िश्ता तरतीब को देखकर बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बाद अंगूर रखा जाएगा। इसी तरतीब को समझने के तरीके को तवातुर कहते हैं। एक मिसाल और देख लेते हैं। किसी तस्वीर में अगर पहले दायरा बना हुआ है, उसके बाद मुसल्लस है, मुसल्लस के बाद मुरब्बा है, एक मुनासिब फासले के बाद फिर दायरा बना हुआ है, फिर मुसल्लस है, उसके बाद मुरब्बा बना हुआ है, एक मुनासिब फासले के बाद अगर दायरा बना हुआ है और उसके बाद मुसल्लस है, तो हम बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बाद क्या आएगा। इसी बात को आपकी दर्सी किताब में पेज नंबर 87 पर मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाया गया है। आप उन तमाम अशकाल का मुताला करें और समझने की कोशिश करें। शुक्रिया।